पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय की सरकार बनते ही सरकारों को विकास करने के आदेश दिए थे। शहरों में सड़क नाली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी आदेश दिया था। ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई और अब बारी है विकास करने की। मुरादाबाद महानगर की बैंक कॉलोनी के लोग पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण की बाट देख रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद से लेकर नगर निगम तक सभी को अपनी पीड़ा बता चुके हैं, लेकिन मरहम अभी तक नहीं मिला है। बैंक कॉलोनी निवासी संतोष देवी का कहना है कि हम सभी पानी के जल भराव से जूझ रहे हैं। हमें अपने बच्चों को जलमग्न रास्तों से स्कूल भेजना पड़ता है। तो वहीं क्षेत्रीय निवासी नीलम पांडे का कहना है कि यहाँ कीड़े सांप आए दिन निकलते रहते हैं। बच्चों को जहरीले कीड़ों का डर रहता है, लेकिन आज तक हमारी किसी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं निधि पांडे का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी हमें सड़क नहीं मिल सकी है। कई बार सड़क की नाप तोल भी हुई, लेकिन कई सालों से आज भी सड़क बनने का हम सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। क्षेत्रीय सभी लोगों का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र की सड़क का निर्माण कराए। माँ जी, क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा बताइए, क्या समस्या है आपकी? हमें रोड की समस्या है। जिंदे नरक में जी रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाते हैं, कंधों पर रख रख के स्कूल को जाते हैं। रात में लड़का ड्यूटी से आता है, पानी भर जाता है, सांप फूंक काट ले, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कभी इसकी शिकायत की है आपने? बहुतेरी शिकायतें की हैं। द्रौपदी देवी के पास रात और दिन जाते थे, वो कह देती अब के महीने बनवा दूंगी, इस बरसात में बनवा दूंगी, कभी नहीं सुना। नगर निगम के अधिकारियों से किसी और से बात की है? हाँ करिए, उनके यहाँ एप्लीकेशन भी पड़ी है नगर निगम में। क्या कह दिया गया? हाँ सुनवाई होगी होगी होगी, होती नहीं है, कह देते हैं करेंगे, करता कोई नहीं है। अच्छा, हाउस टैक्स आप जमा कर रहे हैं यहाँ का? ना, हम नहीं कर रहे जमा। कितने लोग और कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? हमें बहुतेरे दिन हो गए हैं, 20 साल हो गए रहते रहते। मेरा नाम नीलम पांडे है। अच्छा आप बताइए, क्या परेशानियाँ हैं? हमें बहुत परेशानी है, यहाँ रात दिन निकलने में परेशानी रहती है, सांप बिच्छू का डर रहता है, बच्चों को स्कूल में परेशानी रहती है, घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। हम द्रोपा जी जब तक पार्षद थी, हम कई बार उनके यहाँ गए, 8-9 सालों से बराबर चक्कर लगा रहे हैं, पर वो हर बार आश्वासन दे देती है बन जाएगी, बजट आएगा, लखनऊ से फाइल पार निकल गई है, और इस तरीके से कभी हमें सफलता नहीं मिली उनके जाने में सड़क बनवाने के लिए। क्या चाहते हैं? बहुत जल्दी सड़क बने और हमें सबको आराम हो, बहुत टाइम से परेशानी उठा रहे हैं हम लोग। कभी शिकायत की है? शिकायत की है हमने, हम सब लोग इकट्ठे होकर ही गए हैं द्रौपदी जी के यहाँ भी, नगर निगम भी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई कोई बहाना बना देता है, कोई अलग अलग सब बहाने बना देते हैं, और कोई काम नहीं बन पाया हमारा। बहुत परेशानी है हमें यहाँ पर रहने में। नाम है आपका? निधि पांडे जी। बताइए क्या परेशानियां हैं? भैया इतना पानी भर जाता है, बच्चों को गोदी लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्कूल छोड़ने जाने में, अंदर कभी कभी तो सांप भी आ जाते हैं पानी वाले, वो मेढक वेटक, इतनी गंदगी होती है, निकल ही नहीं पाते हैं, कई कई दिन तो घर के अंदर ही रहना पड़ता है। अच्छा परिवार के लोगों ने बताया कि कभी किसी से शिकायत की है या मिले हैं इस सड़क? बहुत बार मिल चुके हैं, पार्षद वगैरह के यहाँ तो बहुत बार जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दी है इतनी बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कहते हैं इस साल बन जाएगा, लेकिन बनी नहीं रही है। कितने परिवार हैं यहाँ पर? कम से कम 15-16 परिवार तो है। वोट किया था इस बार? वोटिंग की थी सर, उसके बावजूद भी आपको? बिल्कुल नहीं, वोट तो हर बार डालते हैं। वोट का परिणाम आपको मिला अभी तक? वोट का परिणाम नहीं मिलता ना सर, यही तो बात है। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार हैं जो अधिकारी हैं, उनके लिए क्या मैसेज करेंगे? सर अगर जिम्मेदारी होती तो हमारी रोड अब तक बन नहीं गई होती, इतने सालों से नहीं बनी है। कुमार बताइए क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? भी सब रोड नहीं बन गई, कई बार एप्लीकेशन भी दे दिए और पार्षद के पास भी गए, जब पानी भरता है तो घुटनों से ऊपर आ जाता है। नगर निगम में अक्टूबर में दी थी एप्लीकेशन, अभी पर उस पर कोई ना सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा है निगम के अधिकारियों ने? मेरी जब भी बात होती है यही होता है कि हो जाएगा, डूडा से पास हो जाएगा, पर अभी तक ने डूडा से पास नहीं हुआ। मेयर मुरादाबाद या फिर क्षेत्रीय पार्षद किसी से बात हुई? अधीक्षण अभियंता मुरादाबाद नगर निगम को बाई हैंड एप्लीकेशन दी थी मैंने, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। इसके बाद कितने परिवार हैं ऐसे जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं? 15 परिवार। अच्छा कैसे क्या परेशानियाँ और इसके अलावा होती हैं? ऑफिस जाने में दिक्कत है, बच्चों के स्कूल में एग्जाम छूटने जाते हैं, सांप कीड़े का डर है, काटेंगे तो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।